चलो बोलना जी आगे हमारी आगे हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के प्रथम नंबर के शिल्पी विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस पर आज भारतीय मजदूर संघ हिंदुस्तान के प्रत्येक ज़िले में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। जो शोभा यात्रा के पीछे हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रामाणिकता के आधार पर भारतीय मजदूर संघ कोई कार्य करता है। और आज के दिन जो है विश्वकर्मा भगवान ने महर्षि दधीचि की हड्डियों का वज्र बना के और देवताओं को राक्षस रूपी शक्तियों का अंत करने के लिए दिया था। लेकिन प्रश्न यह है कि जो विश्वकर्मा जी ने शस्त्र और अस्त्र बनाया था वो स्वयं के पुत्र वृकासुर का वध करने के लिए उन्होंने बनाया था। तो इससे भारतीय मजदूर संघ ये सीख लेता है कि सर्वप्रथम दायित्वों का निर्वाह करे बाद अधिकारों की मांग करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम दिवाली के रूप में भी हम मनाते हैं। जैसे दिवाली के दिन अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, इसी तरीके से जो है मजदूरों को जो है ये भव्य रूप भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। और इसमें अजमेर ज़िले के समस्त 18 यूनियनें और महासंघों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया, अति उत्साह से भाग लिया। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे कार्यक्रम जो है आम जनता को भी इसमें अगले वर्ष से शामिल किया जाएगा।